हेलो, कैसे हैं आप सब लोग? मेरे पीछे आप लोग देख रहे हैं आईफिल टावर है, और आईफिल टावर का बेस्ट व्यू सामने से आता है, त्रोका देलो। मेरी आवाज़ आ रही है? सामने एक जगह है, उसका नाम है त्रोका देलो, और बिल्कुल आईफिल टावर के सीध में है। जो बेस्ट फोटोज़ आप लोग देखते हैं यूजुअली लोगों की, जब वो फ्रांस पेरिस जाते हैं, तो वो त्रोका देलो से लेते हैं, क्योंकि आईफिल टावर वैसे बहुत ऊँची बिल्डिंग है, बहुत ऊँची। जिन्होंने वेरी आइकॉन टावर देखा है कराची में, उससे भी लंबा है, उससे भी 100-150 मीटर लंबा है ये। तो पास से जाके ऐसा पता नहीं चलता कि आप आईफिल टावर आए हुए हो, तो आपको सामने बहुत दूर एक, मतलब सीधी रोड जाके, एक त्रोका देलो नाम की बिल्डिंग है, वो एक खुद एक मॉन्यूमेंट है, मगर वहाँ से बेस्ट फोटो आती है आईफिल टावर की। समर में बहुत अच्छा माहौल होता है, मैं समर में आया नहीं, मगर मैंने सुना है यहाँ के लोगों से, यहाँ के रेजिडेंट्स से। तो अभी मैं सामने त्रोका देलो जा रहा हूँ, दोपहर का टाइम है, दोपहर में मैं आईफिल टावर पहले कभी भी नहीं आया, रात में आया हूँ 2 दफ़ा, और उसकी वीडियो आप लोगों को मैं दिखा चुका हूँ, मगर अब मैं सामने जा रहा हूँ त्रोका देलो, और वहाँ से मैं आप लोगों को दोपहर में आईफिल टावर का कैसा व्यू होता है वो दिखाऊँगा। ओके, भाई मैं यहाँ आ गया हूँ ऊपर त्रोका देलो पे। आपको आईफिल टावर मेरे पीछे नज़र आ रहा होगा, मगर वाइड एंगल लेंस नहीं लगा हुआ, अभी मैं लेंस चेंज करता हूँ, फिर ज़्यादा पूरा व्यू आएगा, वाइड व्यू आएगा। अभी नैरो लेंस लगा हुआ है थोड़ा सा 50 mm का, तो अभी मैं लेंस चेंज करता हूँ और फिर आप लोगों में दिखाता हूँ। ओके भाई, ये रहा मेरे पीछे स्टाइल आईफिल टावर। यहाँ त्रोका देलो मैं ऊपर चढ़ के आ गया हूँ, मगर बहुत ज़्यादा यहाँ पे सर्दी है, हवा बहुत तेज़ चल रही है, तो यहाँ से आपको आईफिल टावर क्लियरली नज़र आता है। आप लोग अगर ऊपर आए कभी तो यहाँ से आप लोग पूरा व्यू देख सकते हैं, और यहाँ काफ़ी ज़्यादा टूरिस्ट हैं, एक बिल्डिंग बनाई हुई है इन लोगों ने। आप लोग आईफिल टावर के त्रोका देलो के बैक साइड पर जाके भी सारा डिस्कवर कर सकते हैं, मगर यहाँ से मतलब यूजुअली सारे टूरिस्ट, मेरे पीछे अंकल अभी फ़ोटो खींच रहे हैं किसी का, और यहाँ काफ़ी सारे आप लोग यहाँ सूवनियर्स खरीद सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा लोग सूवनियर्स और कोलर्स वगैरह वगैरह सब कुछ बेच रहे होते हैं। ओके भाई, सर्दी इतनी ज़्यादा थी कि मैं, जो त्रोका देलो है वो एक म्यूज़ियम भी है, वो म्यूज़ियम का टिकट यूरोपियन रेजिडेंट्स के लिए फिर से फ्री है, 0 यूरोज़ का मैंने टिकट ख़रीदा है, ये इस पर लिखा हुआ है, और मैं इस म्यूज़ियम के अंदर आ गया। यहाँ से बिल्कुल अगर सामने वाली खिड़की से आप देखें तो आईफिल टावर आपको नज़र आएगा, थोड़ी देर में मैं दिखा दूँगा। तो मैंने सोचा मैं म्यूज़ियम ही घूम लूँ, क्योंकि सर्दी इतनी थी, मेरी हिम्मत ही नहीं हुई बाहर खड़े होने की। तो फिर अब हम त्रोका देलो वाले म्यूज़ियम में आ गए, काफ़ी अच्छा हिप म्यूज़ियम बनाया हुआ है इन लोगों ने, तो अब हम ये एक्सप्लोर करते हैं और फिर देखते हैं नेक्स्ट स्टॉप क्या है हमारा। अच्छा भाई, अभी थोड़ा टाइम लगा मुझे फिगर आउट करने में, मगर ये जो म्यूज़ियम है ये एंशिएंट टाइम्स के बारे में है, यहाँ जो पुराने रिलिक्स और पुराने कपड़े मिले हैं इन लोगों को पूरे फ्रांस में। फ्रांस इज़ ऑल अबाउट हिस्ट्री एंड आर्ट एंड कल्चर एंड समझ रहे हैं ना आप लोग, कला के बारे में ये सारा सब कुछ। तो इस म्यूज़ियम में इन लोगों ने सारे पुराने कैसे लोग दिखते होंगे और पुराने कपड़े जो जो भी इन लोगों को हिस्ट्री के थ्रू मिले हैं, वो सारी चीज़ों के बारे में, ज़्यादातर अफ्रीकन कल्चर से रिलेटेड सारी चीज़ें हैं, अफ्रीकन कपड़े हैं जो स्वाहिली और ट्राइब्स, जंगलों के ट्राइब्स पहना करते थे, तो वो ज़्यादातर है इसमें। मगर खैर, मैं गर्मी से बचने के लिए आया था अंदर, मगर अंदर पता चला कि ये तो काफ़ी फैंसी म्यूज़ियम है। ये इन लोगों ने अफ्रीका स्टाइल की बस यहाँ पे रखी हुई है बना के। मैं इस टाइम बस के अंदर बैठा हूँ, बस के अंदर भी बिल्कुल वैसा ही माहौल है,
वहाँ पे कॉकपिट है जहाँ ड्राइवर चलाता है, वहाँ उनके प्रेसिडेंट वगैरह की तस्वीरें, मतलब कराची में भी एग्जैक्टली इस टाइप की बसेस चलती हैं, थोड़ी छोटी होती बड़ी होती हैं, मगर यहाँ इन्होंने अंदर टीवी लगाया, मैं ऐसा लग रहा है बिल्कुल अफ्रीका से ही लेकर आई है बस विद द लाइक्स ऑफ इट, मतलब मगर इन लोगों ने अंदर टीवी लगाए में कि ऐसा माहौल होता है अफ्रीका में बसेस का जब वो चल रही होती हैं, और सीटें भी बिल्कुल वैसी ही लगी हुई हैं, पोजिशनिंग थोड़ी डिफरेंट है, मगर क्या बात है इन लोगों ने पूरा, इस म्यूजियम का नाम ही लाहौम है, और लाहौम फ्रेंच में मतलब इंग्लिश में द ह्यूमंस होता है, ह्यूमन एवोल्यूशन के ऊपर ये पूरा म्यूजियम बनाया था। तो खैर हम फर्दर मोर एक्सप्लोर करते हैं, मगर ये इस ट्रिप का मेरा बेस्ट पार्ट है, ये मतलब ये बस मुझे सबसे ज़्यादा पसंद आई, और अभी फ्रेंच अंकल देख के जा रहे हैं और कुछ बोलते हुए गए, यही बोल रहे होंगे कि ये लोग यहाँ पे आके अपनी बसों में बैठ गए, मगर गुड जॉब लाहौम म्यूजियम। भाई यहाँ बहुत सारे लोग सूवीनियर्स बेच रहे होते हैं, उस दिन मैंने आपको दिखाया था मैंने आईफिल टावर के ऊपर से कॉइन लिया था, वो 2.5 यूरो का था, मैंने 3 कॉइन्स लिए थे, मगर आज मैंने सूवीनियर्स भी खरीदे हैं, ये एक आईफिल टावर और 3-4 मैग्नेट्स खरीदे हैं फ्रिज पे लगने वाले, कहीं भी लगा सकते हैं, 10 यूरो के आए ये सारा सा। यहाँ बहुत महंगा बेच रहे होते हैं, मतलब ये ही सिर्फ 10 यूरो का बेच रहे थे, मगर आप यहाँ बार्गेन कर सकते हो क्योंकि ठेला लगा के बेच रहे होते हैं, तो मेरे अंदर का पाकिस्तानी जाग गया और मैंने बोला नहीं भाई 10 यूरो का तुम 4 मैग्नेट्स दो और ये दो, बड़ी मुश्किल से मैंने बार्गेन करा, और आप भी यहाँ आके बार्गेन ज़रूर करिएगा, सही है। मैं वंडर कर रहा था कि रात में ज़्यादा खूबसूरत लगता है आईफिल टावर या दिन में, तो अब आप लोग खुद ही जज कर सकते हैं, एक ही वीडियो में मैंने दोनों बार दिखा दिया है, मुझे तो लगता है कि रात में ज़्यादा अच्छा लगता है, मतलब रात में कुछ ज़्यादा ही लाइटिंग बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं लगती शायद क्रिसमस टाइम की वजह से, मगर नहीं मैंने यहाँ पूछा, बहुत सारे टूरिस्ट आए हुए होते हैं तो वो बोल रहे हैं नहीं ये हर वक्त ऐसा ही होता है, रात में हर रात को ऐसा ही होता है, तो मुझे तो लगता है रात में ही ज़्यादा अच्छा लगता है, आप लोगों को क्या लगता है। खैर ये था हमारा लाहौम म्यूज़ियम, और बिल्कुल ये है लाहौम म्यूज़ियम, बिल्कुल आप त्रोका देलों पे चढ़ेंगे सड़क पे और ये लाहौम म्यूज़ियम आ जाएगा, और इसके बाद हम इसके अंदर गए और ये बिल्कुल फ्री था हमारे लिए, तो इसलिए गर्मी लेने के लिए गया था मैं तो, क्योंकि बहुत सर्दी हो रही थी, अब यहाँ खैर वेदर भी प्लेजेंट हो गया, इतनी ज़्यादा तेज़ हवा नहीं चल रही है, मगर अगर आप लोगों को ये सब कुछ पसंद आया, म्यूज़ियम वगैरह पसंद आया, आईफिल टावर पसंद आया, पेरिस जो भी, खैर वो कमेंट्स में मुझे बताते जाइए, और फिर हम किसी और दिन मिलते हैं कुछ और करते हुए किसी और शहर में या किसी और जगह पे, तो आई सपोज आज के लिए इतना ही, फिर कल मिलते हैं ना, पीस आउट। My days off, there's no days. No, I hustle hard, young rosé.